साल 1958 की बात है। बीजिंग के उस इलाके में जहां विदेशी दूतावास बने थे, उसे लोगों ने घेर रखा था। ढोल ताशे चम्मच थाली जो मिला लोग ले आए और उन्हें बजाकर जबरदस्त शोर मचा रहे थे। चीन का नाम सुनकर ये लग सकता है कि ये लोग किसी देश का किसी नेता का विरोध कर रहे होंगे, लेकिन असलियत कुछ और थी। चीन के लोगों की दुश्मन थी एक नन्ही सी जान, जो जान बचाने के लिए दूतावासों की बिल्डिंग में घुस गई थी। लोग खून के प्यासे थे, माओ का फरमान था कि मार दो, लिहाजा लाखों हत्याएं हो चुकी थी। नन्ही सी कुछ जाने दूतावास में जाकर छिप गई, लेकिन उन्हें भी नहीं छोड़ा गया। माओ की जीत हुई। 3 महीने तक जश्न चला, लेकिन फिर असलियत सामने आई, जिसे श्राप कहना बेहतर होगा, क्योंकि इन हत्याओं ने चीन का वो हश्र किया कि चीन में भुखमरी शुरू हो गई। भाई ने भाई को मार डाला, लोग नरभक्षी बने और 3 साल में 4.5 करोड़ लोग मारे गए। जैसा बताया, ये सब हुआ था एक नन्ही सी जान के कारण, या उसकी हत्या के कारण कहेंगे। 2 दाने चुगने वाली, 2 पंखों पर उड़ने वाली छोटी सी गौरैया। नमस्ते, मेरा नाम है निखिल और आप देख रहे हैं ऐतिहासिक किस्सों कहानियों से जुड़ा हमारा रोजाना का कार्यक्रम तारीख। साल 1949 से शुरू करते हैं हम बात। माओ की सदारत में कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना ने सत्ता पर कब्जा किया और माओ की तानाशाही का दौर शुरू हुआ। माओ ने अपने कार्यकाल में तबाही मचाने वाले कई फैसले लिए, लेकिन माओ की एक पॉलिसी ऐसी थी जिसने मानव इतिहास में सबसे ज्यादा मौतों को अंजाम दिया। इस नीति का नाम था ग्रेट लीप फॉरवर्ड। माओ ने नारा दिया कि हम चलकर आगे नहीं बढ़ सकते, हमें छलांग लगानी पड़ेगी, चलने से काम नहीं बनेगा। इस पॉलिसी का नतीजा हुआ कि प्राइवेट ओनरशिप खत्म कर दी गई, गांव के लोगों को सामुदायिक रूप से खेती करने को कहा गया, नए किस्म के औजार और बीज इस्तेमाल हुए, लेकिन फिर भी शुरुआत में उत्पादन में कोई खास अंतर नहीं आया। माओ ने पूछा कि क्या हुआ भाई, मैंने तो तब ब्रिलियंट प्लान दिया था। अधिकारियों ने जवाब दिया कि साहब 4 दुश्मन हैं जिनके चलते खेती फेल हो रही है। माओ ने पूछा कौन, जवाब मिला मक्खी और मच्छर, चूहे और गौरैया। मक्खी मच्छर से बीमारी होती है, चूहे बीमारी फैलाते हैं और अनाज खा जाते हैं, इसलिए इनकी बात समझने लायक थी, लेकिन गौरैया का नाम इस लिस्ट से जोड़ना हैरानी की बात थी। लेकिन यह हैरानी हमें और आपको हो रही है, माओ को नहीं हुई। माओ को बताया गया कि उगती फसल से गौरैया दाने चुग रही है। माओ के सामने बाकायदा आंकड़ा भी पेश किया गया, कहा गया कि एक गौरैया हर साल 4 किलो अनाज खा जाती है, यानी साल में देश का 30% अनाज गौरैया ही खा रही है। इन्हें अगर मार दिया तो लाखों लोगों के लिए अनाज बच जाएगा। ये आंकड़ा सुन माओ ने कहा वाओ और फरमान जारी किया। यहां से शुरू हुई तानाशाही की मुख्य प्रॉब्लम। और सब जाए भाड़ में, सबसे जरूरी है बॉस को खुश करो। मक्खी मच्छर मारना मुश्किल था, लिहाजा चूहों और गौरैया को मारने पर ज्यादा जोर दिया गया। गौरैया बेचारी आसान शिकार बनी 2 वजहों से। चूहे जमीन में होते हैं, छुप जाते हैं, लेकिन गौरैया आसमान में दिखती है, गुलेल से आप हिट कर सकते हो, इसलिए सबूत देना आसान था। आसमान दिखाकर कहा जा सकता था कि देखिए साहब गौरैया नहीं है, पहले थी अब नहीं। दूसरा कारण भी वही था, गौरैया पेड़ पर बैठी होगी या तार पर बैठी होगी, इसलिए उन्हें मारना आसान भी था। साथ ही उनकी लाशें इकट्ठा कर आंकड़े बनाना भी आसान था, तस्वीर आ जाती है। इन कारणों के चलते छोटी सी गौरैया का संहार शुरू हुआ। टोलियां बनाए हुए नौजवान निकलते, हाथों में एयरगन लिए, जहां गौरैया दिखती मार दी जाती। उनके घोंसले उजाड़ दिए जाते, अंडे फोड़ दिए जाते। इससे भी बड़ी क्रूरता थी शोर का इस्तेमाल। जिन पेड़ों पर, जिन जगहों पर गौरैया बैठती, लोग इसके आसपास ढोल थाली इत्यादि बजाकर शोर करने लगते, ताकि गौरैया बैठ ना पाए। उड़ते उड़ते बेचारी थक जाती और दम तोड़ देती। लोग इतने में ही नहीं रुके, डियर लीडर को या सुप्रीम लीडर को खुश करने के लिए पूरे चीन में पोस्टर भी चस्पा किए गए, जिन पर लिखा होता था कि गौरैया मारो, देश बचाओ। ये डिक्टेटरशिप्स का क्लासिक एग्जाम्पल है कि आप चाहे कितनी बेवकूफाना बात बता दें, अगर वो बॉस ने कही है तो उस पर अमल हो जाएगा, और इसीलिए देश जाते हैं गर्त में। एनीवेज, लोगों ने क्रूरता को अंजाम देने के लिए नए नए तरीके निकाले चीन में गौरैया को मारने के लिए। मसलन, लोगों ने खेतों में बांस खड़े कर दिए जिनके ऊपर गोंद लगी रहती थी, थकी हारी गौरैया उस पर बैठती तो चिपक जाती और वहीं मार डाली जाती। ऐसा तब तक चला जब तक चीन की आखिरी गौरैया मर नहीं गई। चंद महीनों के अंतराल में लाखों करोड़ों गौरैया मार दी गई। एक किस्सा तो वो है जब गौरैया पोलिश एम्बेसी में घुस गई जान बचाने के लिए। वहां सुरक्षा थी, आप एम्बेसी ऐसे जा नहीं सकते, इसलिए कुछ ही समय में ढेरों गौरैयाओं ने एम्बेसी को अपना घर बना लिया।
हालांकि लोग वहां भी पहुंचे और शोर मचाने लगे। उन्होंने तब तक एम्बेसी को घेर कर रखा जब तक सारी गौरैया एम्बेसी की भी नहीं मार डाली गई। दो दिन बाद एम्बेसी के लोगों ने फावड़े से उठाकर मरी हुई गौरैया बाहर फेंकी। गौरैया मारने के रिकॉर्ड भी बने। गाँव में लोगों ने कंपटीशन रखना शुरू कर दिया। एक 16 साल के लड़के को इनाम मिला जिसने कथित रूप से 20,000 गौरैया मारी थी। इस पूरी कवायद का असर यह हुआ कि पूरे चीन में एक भी गौरैया नहीं बची। लोग खुश थे, माओ भी खुश थे, लेकिन यह खुशी ज्यादा दिन तक बरकरार नहीं रही। माओ को लगा था कि अब उत्पादन दिन दोगुना चार चौगुना होगा, लेकिन उल्टा हुआ, अनाज बर्बाद होने लगा। माओ ने एक बार फिर अधिकारी दौड़ाए पता करो कि अब क्या हुआ है। अधिकारियों ने बहुत दिमाग लगाया लेकिन उन्हें इसका कोई हल समझ नहीं आया। आखिर में काम आई एक मरी हुई गौरैया। दरअसल चीन के दो वैज्ञानिक थे, उन्होंने कुछ मरी हुई गौरैया का पोस्टमार्टम किया तो पाया कि उनके पेट में 1/4 हिस्सा अनाज से भरा है जबकि बाकी 3/4 हिस्सा कीड़ों से भरा है। उन्हें एहसास हुआ कि गौरैया की मुख्य खुराक तो असल में वो कीड़े थे जो फसल को बर्बाद करते थे। मतलब गौरैया फसल चाट नहीं रही थी, उसे बचा रही थी। लेकिन माओ को जब तक ये बात समझ में आई बहुत देर हो चुकी थी। इसके बाद शुरू हुई तबाही। टिड्डी दल ने खेतों के खेत बर्बाद कर दिए। कीड़ों ने प्रकोप अलग से डाला। इसका ऐसा असर पड़ा कि खेती में इजाफे के बजाय अकाल पड़ा। चीन के एक पत्रकार हैं यांग जिशेंग। चीन के इतिहास पर उन्होंने एक किताब लिखी है टूमस्टोन। जिशेंग इस किताब में लिखते हैं, चीन में ऐसा अकाल पड़ा कि माता पिता बच्चों को मारकर खाने लगे और लोग नरभक्षी हो गए। यह हाल 3 साल चला। जिशेंग के अनुसार इस दौरान अकाल में लगभग 3.5 करोड़ लोग मारे गए। कुछ जगह यह आंकड़ा 4.25 करोड़ तक भी जाता है। चूंकि हम चीन की बात कर रहे हैं जो कि इतिहास को स्वीकारता नहीं है, वहां पे मैन्युफैक्चर किया जाता है ट्रुथ सत्ता के द्वारा, तो वो आज भी इसे प्राकृतिक आपदा के 3 साल कहकर पढ़ाते हैं अपने बच्चों को। इस मौत की वजह अकेले गौरैया की मौत नहीं थी। आंकड़े दुरुस्त करने के लिए गांव से अनाज इकट्ठा करके शहर भेजा गया। ये एक बड़ी वजह थी जिसके चलते गांव में लोग मारे गए क्योंकि वहां का अनाज शहर जा रहा था। और भी कई पॉलिसी फेलियर्स अकाल की वजह बने, लेकिन गौरैया का मारा जाना कितनी बड़ी वजह थी ये इस बात से आप समझ सकते हैं कि 1962 में रूस से करीब 2.5 लाख गौरैया चीन लाकर छोड़ी गई। इनके प्रजनन पर जोर दिया गया और तब जाकर खेती पटरी पर वापस लौट पाई। अंत में आपको एक और दिलचस्प किस्से के साथ छोड़कर जाते हैं जो इस घटना से रिलेटेड है। बात 1968 की है। पाकिस्तान के विदेश मंत्री मियां अरशद हुसैन चीन गए और अपने साथ तोहफे में लेकर गए आम। चीन में लोगों ने आम का तब नाम नहीं सुना था या ज़्यादातर लोग नहीं जानते थे, लिहाजा बीजिंग की सभी बड़ी फैक्ट्रियों में एक एक आम भेजा गया। लोगों ने उसका छिलका निकाला तो देखा कि सुनहरा गूदा चमक रहा था। अब लोग भरे आश्चर्य से, किसी ने खाने की हिम्मत नहीं की, उसे सजा कर रख दिया। आते जाते लोग रोज उसके आगे सिर झुकाते। कुछ दिनों में आम सड़ने लगा। तब किसी ने एक आइडिया दिया, उन्होंने आम को पानी में उबाला और उस पानी को एक एक चम्मच कर फैक्ट्री के कर्मचारियों को पिला दिया। इस घटना के बाद पूरे चीन में आम के चर्चे होने लगे। लोग आम खरीद कर अपने घर में सजाने लगे। आम चूंकि माओ का गिफ्ट था इसलिए आम चमत्कारी हुआ। बाकायदा एक किस्सा यह भी है कि किसी गाँव में एक बेचारे डेंटिस्ट ने जब आम के स्वाद की तुलना शकरकंद से कर दी, लोगों ने उसे फांसी पर चढ़ा दिया। इसी किस्से के साथ जो हमें बताता है कि डिक्टेटरशिप्स के खतरे क्या होते हैं, एक चिड़िया के कत्ल के खतरे क्या होते हैं, एक आम को दिव्य समझने के खतरे क्या होते हैं। हम तारीख का ये एपिसोड ख़त्म करते हैं जो कमल ने लिखा और जतिन ने आपके लिए रिकॉर्ड किया। आप देखते रहिए दी ललन टॉप।